अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नए फ्रेश व्लॉग के अंदर आप सबका वेलकम है। मेरी गुड मॉर्निंग अभी हुई है, तकरीबन 1:30 बज रहे। आखिरकार मैं 3-4 दिन बाद ना सुकून से सो गया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नींद बहुत मज़े की आई है। खैर, अभी का ये सीन है कि एक बंदे के साथ मेरी मीटिंग है, हमारी मीटिंग है। खैर, मामा मेरे साथ हैं। मामा जी, कोई अपनी प्रेजेंस शो करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो मामा मेरे साथ हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं i14 तक। जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट आने वाले वक्त में अगर इंशाल्लाह वो चीज़ कंफर्म हो जाती है तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किया जाएगा और धूम धड़ाके के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के पीछे काफ़ी अरसे से हम लोग पड़े हुए हैं, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया ना। तो खैर, एग्जैक्ट इसी चीज़ के पीछे नहीं, मतलब इस चीज़ के रिलेटेड चीज़ हो। खैर, अभी हम लोग चल रहे हैं i14। उसके बाद मामा ने कहा था कुछ खाला वगैरह को की तबीयत थोड़ी सी अल्लाह माफ़ करे ख़राब थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। आमीन सुमीन, तो उनके पास चलेंगे इंशाल्लाह। हो सकेगा वो तो स्कूल होंगी वो इस टाइम शायद, तो उनको उधर से पिक करेंगे और बाकी सारा देखते हैं आप लोगों के साथ कि क्या सीन है। और हाँ, गाड़ी मेरी बहुत गंदी है, मैंने धुलवाई नहीं। कल हम लोग पेशावर चले गए थे और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे बैक टू बैक व्लॉग्स? ये सीन है अभी का, तो के चलते हैं इंशाल्लाह। पहले सीन है फिलहाल का कि जो है ना गर्मी है, फिर से बारिश जब से नहीं हुई है ना, डेली जैसे बारिश होती थी तो बहुत मौसम अच्छा हो जाता था, अब जब से नहीं है, जिस दिन भी ना हो ना बारिश उसी दिन इतनी गर्मी हो जाती है कि। तो अभी चलते हैं, पहले i14 चलते हैं। i14 में जो मीटिंग है या जो काम है वो अटेंड करते हैं और उसके बाद गाड़ी शाड़ी का अगर धुलवाने का सीन मिल गया तो कर लेंगे, नहीं तो मम्मा को और खाला को जब छोड़ के वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह शाम के बाद जो है हम गाड़ी धुलवा लेंगे अच्छे से। सो जी, मीटिंग वगैरह तो मेरी हो गई थी जो मीटिंग होनी थी, बाकी ये है कि बस वो उधर से बंदे से मिल के मैं निकला हूँ तो बारिश शुरू हो गई और खाला वगैरह को ले लिया था। खाला को मैंने अभी ड्रॉप किया है घर पे, अभी हम भी जा रहे हैं घर क्योंकि कुछ काम है मम्मा को थोड़ा सा, तो घर चलते हैं इंशाल्लाह। फिर शाम के करीब अगर बारिश रुक गई हुई तो फिर इंशाल्लाह गाड़ी भी धुलवा लेंगे, या फिर अब तो ज़बरदस्ती कल पे जो है ना वो इसको वो करना पड़ेगा। खैर, अभी चलते हैं घर और उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या सीन है। सो जी, रात हो रही है और आज मेरा फर्स्ट एवर खाना मतलब डिनर घर में, और चेक करें आज ओए होए 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 जूसी किस्म के चावल बने हुए हैं। ठीक है जी, और साथ ये रायता है। थैंक यू सो मच मम्मा, आप खाते हैं बिना किसी देरी के और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। मॉर्निंग जी, तकरीबन टाइम हो रहा है 4:30 का एंड यस, मेरी गुड मॉर्निंग इस टाइम होती है, तो क्योंकि थका हुआ था मैं काफ़ी ज़्यादा। तो खैर, अभी का सीन ये है कि 4:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ गाड़ी धुलवाने के लिए। इससे पहले कि या तो दोबारा बारिश हो जाए या फिर दोबारा शाम हो जाए तो वो सर्विस स्टेशन बंद हो जाए तो गाड़ी धुलवा के लाते हैं, ताकि क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। देखे ना इधर सारे टिशू पेपर वगैरह, वो उधर भी सारे ये गंद बहुत मचा हुआ है, तो इसको धुलवा लेते हैं और ताकि क्योंकि नीचे भी मिट्टी लगी हुई है सारी तो जंग वगैरह ना लगे। खैर, अभी चलते हैं गाड़ी धुलवाने के लिए और उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है मम्मा ने कहा है, और शॉपिंग भी करेंगे। और एक और बात कि आप लोगों को मेरी ये व्लॉग की सीरीज़ कैसी लग रही है, आई होप सो कि डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। और बाकी अब मैंने थोड़ा सा सीन इस तरह का बना लिया है कि डेली व्लॉग अपलोड कर सकूँ, बीच में एक आध दिन रह जाए तो सो सॉरी उसके लिए, बट मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। बाकी ये है कि बिना किसी देरी के लिए गाड़ी धुलवाने के लिए चलते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो घर का राशन वगैरह है, सामान वगैरह है, वो भी ख़त्म है, दूध वगैरह लाना, तो इंशाल्लाह उसके बाद चलेंगे पंजाब कैश एंड कैरी और उधर से कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है, तो फिलहाल चलते हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। सो जी, मैं तो गाड़ी धुलवाने के लिए जा रहा था, मम्मा ने कहा पहले जो है वो आके नाश्ता कर लो, ये चने हैं और अंडे वाले चने हैं, मम्मा रोटी दे दे नाश्ता कर लो, मैं नाश्ता करती हूँ उसके बाद निकलते हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। सो नाश्ता वगैरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलते हैं और गाड़ी धुलवाते हैं। और एक और चीज़ के मेरा जो ये प्लॉट है जो मैंने सेट करवाया था एज ए गार्डन के तौर पर, कि घर के साथ थोड़ा सा गार्डन वगैरह हो, और कि हम लोग रात के टाइम अक्सर पहले बैडमिंटन खेलते थे, इस वजह से मैंने सेट करवाया था। तो अगर हुआ, पॉसिबल हुआ, तो अभी इंशाल्लाह जब गाड़ी धुलवा के आते हैं तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा ये वाला प्लॉट, क्या सिस्टम है, क्या सीन है, कैसे सेट किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। काफ़ी सारी मैंने सब्जियां वगैरह भी लगवाई हैं इसके अंदर, और फ्रूट्स वगैरह भी हैं और बाकी और चीज़ें भी हैं आप लोगों को, और फ्लावर्स वगैरह भी हैं काफ़ी सारे, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। फ़िलहाल बिना किसी तरीके गाड़ी धुलवाने के लिए चलते हैं और बस चलते हैं। ये
ये देखिए जी, ये बात कर रहा था, ये असल में ये देखें महीना खड़ी रही है ना, तो इधर ये देखिए सारे चूहे थे या बिल्ली थी ना, उन्होंने ला के ये क्या पता नहीं हड्डियाँ खाई हैं। ये देखें यहाँ पे ये हड्डी पड़ी है, यहाँ पे थी। खैर इसका कोई पक्का इलाज करते हैं, और इंशाल्लाह ना गाड़ी के नीचे वाले जो इंजन के नीचे नहीं होता उधर इंशाल्लाह इसकी शील्ड वगैरह सारी चेंज करवानी है, क्योंकि जो मेरी गाड़ी की शील्ड वगैरह है ना वो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, तो शील्ड वगैरह इंशाल्लाह चेंज करवाऊँगा, मेरा प्लान है। बट इंशाल्लाह बम्पर भी इसका दोबारा नया, मतलब सोच रहा हूँ नया लगवाऊँ या फिर इसी को दोबारा पेंट करवा लूँ, या देखता हूँ वो क्या सीन बनता है। बट ये सारी शील्ड वगैरह, इंजन शील्ड, सारा कुछ चेंज होगा इंशाल्लाह और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। बाकी जो है ना गाड़ी साफ़ है, बस सिर्फ एक मसला यहाँ से ये इधर जो करके ना, यहाँ से बम्पर लगा हुआ है और यहाँ से बम्पर फटा हुआ है बकायदा ना, क्योंकि ये मोटरसाइकिल वाला आया था और ये उसके करामात है। यहाँ से मेन जो है ना ये गाड़ी गंदी लगती है, बाकी उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। और इधर से जो है ना, इधर से बम्पर साफ़ है बिल्कुल, मतलब ये पेंट करवाया था, बट ये मैं कंपाउंड और वो पॉलिशिंग का वगैरह का कट कंपाउंड तो करवाना भूल गया था, तो इसलिए ये, बट इंशाल्लाह ये कम्प्लीट रीपेंट होगा या फिर नया बम्पर लेके उसको रीपेंट करवाएंगे। उसके अलावा गाड़ी अभी सुखा रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे ही सुखाते हैं फिर इंशाल्लाह निकलते हैं अगले कामों की तरफ अपने। सो जी, गाड़ी वगैरह तो धुल गई है और फिल्टर के ऊपर मैंने हवा मरवा के और उसके ऊपर परफ्यूम भी लगाया, और यस ये अब बखूर जल रहा है ताकि जो स्मेल है ना वो प्यारी सी गाड़ी के अंदर फैल जाए। अभी देखें आप लोगों को धुआं दिख रहा होगा इसका, अभी जलेगा इंशाल्लाह, उसके बाद ना स्मेल फैल जाएगी गाड़ी के अंदर और जो है ना अच्छी स्मेल फिर मतलब आएगी गाड़ी के अंदर से, ये अच्छी बात है। और ये मैं स्पेशल इसलिए लेके आया था। मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था, मैंने अलियान से कहा था, मैंने कहा जब आ जाए तो तुम रिसीव कर लेना ये पार्सल, और एकदम से मुझे बैठे बैठे याद आया, मैंने कहा यार मैंने तो एक पार्सल ऑर्डर किया था, मैं तो मुझे ऐड आया असल में इसी का, तो इसको भी अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। ये बेसिकली एक क्या कहते हैं उसे, वॉइस सेंसिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, पहले तो ये इसकी केबल आ गई है। अच्छा ये कुछ, ये तो अच्छा, ये उसके साथ इसके यूज़र मैनुअल भी है, देखें जी ये यूज़र मैनुअल है इसके, ये देखें ये RGB उसमें है ना, इसको इधर रखते हैं, इसके इधर रखते हैं, ये पता नहीं क्या आया, इसके साथ ये भी आया है कुछ, ये चार स्टिकर्स हैं ये क्या है, ये मेन डिवाइस है। अब इसका क्या फंक्शन है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं पहले सीधा बताऊँ ना तो मैं पहले एक दफ़ा अनबॉक्स कर चुका हूँ, मैंने दोबारा पैक किया, मैंने कहा यार पहले कैमरे के अंदर ही अनबॉक्स करेंगे। खैर इसको अभी लगाते हैं चार्जिंग पे और इसको फिर देखेंगे। हेलो। तो ये चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, ये एज सच किसी काम की नहीं है, बट सिर्फ इसलिए कि ये जो मेरे ऊपर अपना रूम भी मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाया, दिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे वाली किसी वीडियोस के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा अपना रूम, क्योंकि आगे भी तो व्लॉग्स बनाने हैं ना, आज ही सारा कुछ दिखा दूंगा इसी व्लॉग के अंदर, तो फिर कल क्या दिखाऊंगा। खैर तो ये चीज़ है मेन जो कि क्या कहते हैं मैंने ऑर्डर की थी, जो कि मेरी कंप्यूटर टेबल है उसके ऊपर आएगी इंशाल्लाह। तो ये थोड़ी सी अच्छी लगती है कि बंदा बात कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। एक और भी ऑर्डर की थी डिवाइस, वो जो है वो उन्होंने दो दफ़ा डिलीवर करवाने की कोशिश की बट वो नहीं हुई। आज ही उनका मैसेज आया उस कंपनी का कि आपको पार्सल चाहिए तो आप बताएं मुझे, फिर मैं भिजवा देता हूँ। खैर तो अभी उनको मैं मैसेज करूँगा और एक दो दिन तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी, वो भी दिखाएंगे बड़े मज़े का, एक लैम्प किस्म का है वो भी RGB लैम्प, तो इंशाल्लाह वो भी आएगा, अनबॉक्सिंग करेंगे। मौसम कुछ अच्छा हो रहा है तो इस वजह से मैं ऊपर जा रहा हूँ, अपने रूम की तरफ बैठता हूँ। रूम आप लोगों को आज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रूम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एज़ मैं एक महीने के लिए उधर गया हुआ था, बंद था, तो इस वजह से रूम अभी नहीं दिखाऊंगा, बट इंशाल्लाह कल जो है ना, कल या परसों तक, कल इंशाल्लाह सुबह जो है मैं रूम अपना साफ़ करवा लूँगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को रूम भी दिखाऊँगा कि कैसा मैं सेट कर रहा हूँ। अभी कम्प्लीट सेट नहीं हुआ जो चीज़ मैं चाह रहा था उस तरह, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो जी अभी का सीन ये है कि वैसे ही बैठे हुए थे, थोड़ा सा मैं भी बोर हो रहा था, तो मैंने मामा से कहा कि क्या कहते हैं उसे ना अपना कुछ समोसे वगैरह खाते हैं, तो मामा ने भी कहा कि जाओ ले आओ, तो अभी मुस्तफ़ा और मैं जो है समोसे लेने के लिए जा रहे, तो थोड़ा सा दूर है बट उधर चलते हैं इंशाल्लाह, अभी चल के समोसे लेते हैं क्योंकि मामा ने भी कहा, मेरा भी दिल कर रहा है खाने का, तो फिर चलते हैं समोसे लेके आते हैं। ये समोसा
समोसा चाट है या पता नहीं क्या है, बट दही भल्लों के अंदर दो समोसे डाल के ऊपर से हरी चटनी, ओए 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 ओए। अभी ये इंजॉय करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन है।